खबर है उत्तर प्रदेश के जालौन से। राष्ट्रीय आंदोलन समिति गौ रक्षक विभाग प्रसिद्ध हिंदू प्रसिद्ध से हुकुम सिंह दद्दा जिला संयुक्त मौके पर पहुंचकर सभी अधिकारियों को गौशाला में सभी प्रकार के समस्याओं से छुटकारा मिलाने का वादा किया और एक साफ सफाई कर्मचारी की व्यवस्था की, लेकिन आगे से एक और कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा। सभी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी जिसमें साहब सिंह चौहान, इंद्रपाल सचिव, वेद सिंह यादव, मोनू वर्मा, हरिभाई और मौके पर सभी किसान उपस्थित रहे। माधवपुर से अमर नगर की खास रिपोर्ट। और ये जो किसान यहाँ जमाड़ा लगाए हुए हैं, समस्या इनकी ये है कि जो गाय गांव की जो ढिलती है वो इसी गौशाला में ही आ जाती है, इससे जो इसकी गौशाला की कैपेसिटी से बाहर है। चलो थोड़ा हम लोग क्या नाम है सर जी आपका? साहब सिंह चौहान। साहब चौहान सर, यहाँ पे क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो ये है कि जो यहाँ गौशाला में गाँव की व्यवस्था है जिनमें ढिली जाती है और कुछ गायें रात में भी ढिलती हैं, इनको व्यवस्थित करने के लिए किसान रातों रात खेतों पे घूमते हैं, तो यहाँ की ये व्यवस्था संतोषजनक नहीं है क्योंकि यहाँ चार ग्राम सभा है। चार ग्राम सभा होने के नाते जी 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 एक ही गौशाला है जी, और क्षेत्र के भी यहाँ जानवर आ जाते हैं, तो ग्राम सभा सहवाजपुर में अधिक संख्या में गाय वगैरह यहाँ है, और हम गांव वालों की यही आप प्रशासन से निवेदन है, गुजारिश है कि इस व्यवस्था को अच्छी तरह हल कर दें जिससे यहाँ के किसानों को राहत मिले जी। इतना यही बात हम करना चाहते हैं, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ग्राम सभा सहवाजपुर ग्राम सभा में गौमन की कोई व्यवस्था नहीं है, ना चारे की ना पानी की। आपकी ना खाने आपका क्या नाम है सर? हमारा वृंदावन। कहाँ के निवासी हैं? सहवाजपुर। कितनी गौशाला है यहाँ पे? यहाँ पे सचिव ने बताया एक गौशाला है और कोई गौशाला नहीं है। अच्छा, तो यहाँ की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था है ही नहीं कोई चारे पानी की, सब बंजे बाहर ढिलती है, किसान मरो जा रहा है, वो रात दिन धक्का खात खात खुल जाती है। दो आदमी काम करेंगे और आज से यहाँ कोई शिकायत नहीं मिलेगी, व्यवस्था आपकी।